Good morning, students. In the continuation of chapter Understanding Diversity, our today's topic is Unity in Diversity. जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश में कितनी सारी विभिन्नताएँ हैं, कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं. जैसे सबका कल्चर अलग है, सबकी सभी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सबका रिलीजन अलग अलग है. तो लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे देश को एक यूनिटी में बाइंड करके रखा हुआ है. हमारे देश को एक यूनिटी समझा जाता है. तो इसके अंदर आपकी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट यूनिटीज़ के बारे में बताया गया है. उनमें फर्स्ट है ज्योग्राफिकल यूनिट. इंडिया एक ज्योग्राफिकल भौगोलिक यूनिट है. हमारे देश की बाउंड्री अलग अलग देश से नेचुरल बाउंड्रीज़ के साथ में अटैच है. जैसे नॉर्थ से हिमालय, जो नॉर्थ वाला पार्ट है हमारा. वन सेकेंड. नॉर्थ से हिमालय के द्वारा दूसरे देश से नॉर्थ के अंदर जो हिमालय के साथ में हमारे दूसरे देश से बाउंड्री सेपरेटेड है. नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान रेंज के द्वारा, नॉर्थ ईस्ट में असम हिल्स के द्वारा, और साउथ में हमारी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के द्वारा दूसरे देशों के साथ में सेपरेटेड है. हमारे देश के एक एनिशियंट ग्रंथ, एक प्राचीन ग्रंथ के बारे में भी भारतवर्षा में भी इंडिया को एक ज्योग्राफिकल यूनिट कहा गया है. सेकेंड वी हैव कल्चरल यूनिट. हमारे देश में लोग अलग अलग पार्ट में रहते हैं, फिर भी काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं. जैसे पूरे देश में दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के क्यों ना, वो सभी सेलिब्रेट करते हैं. इसको हम कल्चरल यूनिटी बोलते हैं. जैसे सभी स्टेट्स में मैरिज के लिए कुछ रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है. सभी प्लेसेस पे वुमेंस की रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो इंडिया का कोई भी पार्ट क्यों ना हो, सभी जगह वुमेंस की रिस्पेक्ट की जाती है. सभी को अपना धर्म चूज़ करने के परमिशन होती है, फ्रीडम होती है कि कोई भी धर्म वो चूज़ कर सकता है. सभी जगह पूजा पाठ वगैरह किए जाते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो देश है, हमारा इंडिया है, वो एक कॉमन बॉन्ड के अंदर बंधा हुआ है. नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल यूनिट. इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में भी जाना जाता है. जैसे एनिशियंट टाइम में राजा और महाराजा पूरे देश के ऊपर रूल करते थे. जैसे अशोका ने पूरे देश के ऊपर रूल किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी पूरे देश पर कंट्रोल करने की ट्राई की थी. जब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रूल किया, तब सभी कास्ट के लोगों ने एक साथ मिलकर उनके अगेंस्ट फाइट की थी, और तभी हमने जीत हासिल की थी. और इसके साथ साथ जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, ये भी हमारी यूनिटी का ही सिंबल है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक यूनिटी. हमारे देश में जितने भी 20th और 21st सेंचुरी के अंदर हमारे देश की बाउंड्री से बाहर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था और जो कम्युनिकेशन था, वो हमारा बढ़ गया था. तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर भी बढ़ोतरी आई थी. देश के अलग अलग पार्ट में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन मिलते हैं, और वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और देश में डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जो जैसे बिदलाज हो गए, टाटा हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, और इससे हमारे देश में जो इकोनॉमिक यूनिटी है, ये भी बढ़ती है. इन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, एक बुक जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक उन्होंने लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. उसके अंदर भी उन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर जो यूनिटी है, इसको हमारे ऊपर किसी ने इम्पोज नहीं किया है, हमारे ऊपर किसी ने धक्के से नहीं लगाया है, बल्कि ये हमारे कस्टम के अंदर ही है, हमारे बिलीफ के अंदर ही है. ओके, नेक्स्ट टर्म वी हैव ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की जो टर्म है वो 1990s के अंदर आई थी, और इसका मीनिंग है कि इंडस्ट्री का, हमारे जो इंडिया के बिजनेस का, वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर होना.
जैसे इसमें कुछ इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन, जो ट्रेड के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो भी वर्ल्ड लेवल पर फॉलो किए जाते हैं अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो इंडियंस हैं वो बाहर एब्रॉड में जाके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जो फॉरनर हैं वो भी हमारे देश में आके बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे लेबरर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो भी एक देश से दूसरे देश के अंदर जाके वो मूवमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस। इससे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसका भी बिजनेस बढ़ा है और इसके बिजनेस को भी हमने प्रमोट किया है। फॉर लास्ट लाइन अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मैनी कंट्रीज, सभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ का एक साथ मिलना ट्रेड के अंदर, कम्युनिकेशन में, फाइनेंस में, आपका क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। इसके साथ ही हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी फिनिश होता है। थैंक यू।